नमस्कार, कुकिंग विद नीरू में आप सबका स्वागत है। गर्मियां आने वाली हैं, शुरू ही हो गई हैं, तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही एक ड्रिंक है जलजीरा, जो कि हमारा शुद्ध देसी भारतीय ड्रिंक है और पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है और साथ ही इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप फ्रेश अपने घर में बना सकते हैं और इसका पाउडर भी घर में बनाकर रख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे जलजीरा पाउडर, जिसको कि हम स्टोर करके रख सकते हैं, मैं बताती हूँ आज आपको। बनाना शुरू करते हैं जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर बनाने के लिए हम 4 चम्मच पुदीना लेंगे, जिसको कि हमने सुखा कर रख लिया है। 2 चम्मच जीरा लेंगे, जिसको हमने भून कर रख लिया है। 1/4 चम्मच अजवाइन, 4 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच काली मिर्च, 4 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच सादा नमक, 1 चम्मच सौंठ पाउडर या जिंजर पाउडर जिसको बोलते हैं, अदरक का पाउडर, और 1 चम्मच के लगभग ही हरी मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च को आप सुखा कर पीस लें तो हरी मिर्च का पाउडर तैयार हो जाएगा। इन सब की मदद से हम जलजीरा पाउडर बनाएंगे। सबसे पहले हम साबुत चीजों को भून लेंगे, जिसमें की है अजवाइन, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग, साथ में हींग। इसको हम लगभग आधा मिनट बस हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल जल्दी से भून जाएंगे, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे बस। और हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसी में ही मैं डाल दूंगी पुदीना, इसको भी इसी में चला लूंगी। गैस को हम ऑफ कर चुके हैं। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इन सभी चीजों को डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। इसी में मैं भुना हुआ जीरा भी डाल दूंगी। और इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये मैंने इन सब चीजों को पीस लिया है जिनको मैंने भुना था। अब हम इनमें सभी और मसाले डालेंगे, जैसे कि काला नमक, सादा नमक, अदरक पाउडर, हरी मिर्च का पाउडर, अमचूर पाउडर, और इसको मैं एक बार फिर से ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो देखिए जलजीरा पाउडर कितने कम समय में बनकर बिल्कुल तैयार है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से आप इतना टेस्टी जलजीरा पाउडर बना सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये 3-4 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। पूरी गर्मियों आपके लिए ये उपयोग में आ सकता है। जलजीरा पाउडर मैंने मिक्सी के पॉट में से निकाल लिया है। देखिए कितना बढ़िया जलजीरा पाउडर बना है। अब इससे आप जलजीरा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस जलजीरा पाउडर से करीब 15 गिलास आप जलजीरा बना सकते हैं। ये 100 ग्राम से ज्यादा जलजीरा पाउडर मेरा तैयार हुआ है। तो इसको बनाने के लिए मैं 3 गिलास जलजीरा बना रही हूँ, तो मैं 3 चम्मच जलजीरा पाउडर ऐड करूंगी। देखिए 3 चम्मच मैंने जलजीरा पाउडर ऐड करा है। कुछ पुदीने की पत्तियां मैं फ्रेश भी इसमें डाल देती हूँ। इनको मैं हाथ से ही तोड़ के डालूंगी। इस तरह से हम जलजीरा में पुदीना की पत्तियां डालेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीना से और बहुत रिफ्रेशिंग है ये ड्रिंक। साथ में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मेरे किचन गार्डन के छोटे छोटे नींबू हैं, ऑरेंज वाले, जो नारंगी नींबू होते हैं। इनको मैं निचोड़ कर डालूंगी। वैसे हमने अमचूर पाउडर ऐड करा है, नींबू आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दूंगी। और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बूंदी। तो देखिए हमारा जलजीरा ड्रिंक पीने के लिए बिल्कुल
लडिए, जलजीरा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारे घर के बने हुए जलजीरा पाउडर से। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।